So, good evening and hello everyone. So we are back again with the lecture 6 of dilute solutions. तो इसमें सबसे पहले हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ रहे थे और कंसंट्रेशन टर्म्स को ऑलमोस्ट मैंने वाइंड अप कर दिया है. मैंने लास्ट टॉपिक जो पढ़ाया था दैट वाज परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम. तो परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम को मैंने बेसिक बता दिया था और ये बता दिया था कि परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम को कैसे निकालेंगे. ठीक है, राइट. आज के क्लास में क्या करेंगे, थोड़े बहुत जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं बस उन क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे. उसके बाद फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल बी मूविंग ऑन टू द लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन दैट इज द वेपर प्रेशर एंड ऑल. ठीक है, तो आज मोस्ट प्रोबेबली दिस विल बी द लास्ट क्लास फॉर द डिस्कशन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स. एंड आज मैं क्वेश्चंस लूंगा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम. एंड उसके बाद एसिड बेस वाला पोर्शन बचा हुआ है जिसका मैंने डिस्कशन नहीं किया, एक बार उसका भी डिस्कशन कर देंगे. राइट, नाउ सो लेट अस स्टार्ट विद सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम. तो जैसा मैं दिख रहा है, मैंने ऑलरेडी सिंपल सा फॉर्मुला बताया था कि हाउ टू फाइंड आउट परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम. इन सिंपल टर्म्स परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम, परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम इज गिवन बाय 100 प्लस मास ऑफ वाटर टू डिजॉल्व ऑल SO3 इन 100 ग्राम ऑफ ओलियम. ठीक है, एंड दिस इज गिवन बाय 100 प्लस 9/40 इंटू ए. ठीक है, दिस इज पर 100 ग्राम ऑफ ओलियम, राइट. सो बेस्ड अपॉन दिस ए क्या है, ए इज द मास ऑफ SO3 इन 100 ग्राम ऑफ ओलियम. ठीक है, राइट. तो इसके बेसिस पे लेट अस सी सम ऑफ द क्वेश्चंस. क्वेश्चंस जो हैं इसमें जो मैं दिख रहे हैं इस पेज में, हमें जितने क्वेश्चंस दिख रहे हैं एक बार फटाफट उन सारे क्वेश्चंस को देखते हैं एक बार. राइट, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस दिए गए, बहुत जल्दी हो जाएंगे क्वेश्चंस उनसे. बस सीधा डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम निकालेंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट कि व्हाट इज द मैक्सिमम मास ऑफ H2SO4 इन दैट पर्टिकुलर ओलियम. ठीक है, एक बार जब उसमें वाटर डाल दिया तो मैक्सिमम मास ऑफ H2SO4 कितना हो गया. ठीक है, राइट. तो पहला वाला इसकी वाला क्वेश्चन लेते हैं. फर्स्ट जो है वी विल कंसिडर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि इन 100 ग्राम ओलियम देर इज 80 ग्राम ऑफ SO3 एंड देर इज 20 ग्राम ऑफ H2SO4. राइट, तो पहले वाले केस में परसेंटेज लेबलिंग क्या हो जाएगा. पहले वाले केस में परसेंटेज लेबलिंग विल बी कितना, 100 प्लस 9/40, 9/40 इंटू ए कितना है 80 ग्राम से, इंटू कितना 80, तो 41 टाइम्स 42 टाइम्स. राइट, सो दिस बिकम्स कितना, पहले वाले केस में कितना आ गया, 100 प्लस 18 दैट मीन्स 118%. राइट, तो 118% का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे पास 100 ग्राम ओलियम था, 100 ग्राम ओलियम में 80 ग्राम क्या था SO3 था और 20 ग्राम क्या था, 20 ग्राम था H2SO4. इस 80 ग्राम SO3 में क्या कर दिया हमने, 18 ग्राम वाटर डाल दिया, तो ये भी किसमें कन्वर्ट हो गया, ये भी कन्वर्ट हो गया किसमें, दिस ऑल्सो गॉट कन्वर्टेड इनटू H2SO4. सो नाउ देर इज ओनली H2SO4 एंड इफ देर इज ओनली H2SO4 तो टोटल मास कितना हो गया, टोटल मास कम्स आउट टू बी हाउ मच, टोटल मास कम्स आउट टू बी दिस 100 ग्राम प्लस इसमें जो है ये 18 ग्राम ऑफ वाटर, दिस इज 18 ग्राम ऑफ वाटर. राइट, सो टोटल कम्स आउट टू बी 100 प्लस 18 दैट मीन्स 118 ग्राम्स.
This is the total mass of H2SO4 present in the final solution. This is what? This is the total mass of H2SO4 in the solution. Solution. ठीक है? Right. Similarly, उसी तरह नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो दिया गया वो भी एकदम सिंपल है, ऐसे ही होगा. राइट, अगले वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? अगले वाले क्वेश्चन कह रहे हैं दैट इन 100 ग्राम ऑफ ओलियम, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देयर इज 40 ग्राम ऑफ SO3 एंड 60 ग्राम ऑफ व्हाट, H2SO4. तो क्या हो जाएगा परसेंटेज लेबलिंग, बोलो कितना हो जाएगा? 100 प्लस 9 बाय 40 इंटू ए, ए कितना है? 40 ग्राम, 40. राइट, तो ये कितना आ गया? दिस कम्स आउट टू बी 109%. इसका मतलब जो भी सोल्यूशन आया है, सोल्यूशन जो आया है वो कैसे आया है, उसमें क्या था? उस सोल्यूशन में 100 ग्राम ओलियम था और उसमें हमने क्या कर दिया, 9 ग्राम ऑफ प्लस कितना, 9 ग्राम ऑफ H2O डाल दिया. तो टोटल मास कितना हो गया? टोटल मास हो गया 109 ग्राम. दिस इज द मैक्सिमम मास ऑफ H2SO4 दैट इज ऑब्टेन्ड. राइट, तो सेकेंड वाले केस में मैक्सिमम मास ऑफ H2SO4 ऑब्टेन्ड इज 109 ग्राम एंड परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम इज 109%. राइट, यू कैन जस्ट मैच द आंसर्स कि मैक्सिमम मास ऑफ H2SO4 कितना है, पहले वाले में 118 है, दूसरे वाले में कितना है, 109 ग्राम से. ठीक है, आई होप सो क्लियर हुआ होगा. आई एम जस्ट सिंपली यूजिंग द फॉर्मूला, इसमें कुछ भी नया चैलेंज नहीं है. ठीक है, राइट. नाउ अगले वाले क्वेश्चन में आते हैं. ये वाला क्वेश्चन भी एकदम सिंपल सा है. इसमें क्या कह रहे हैं कि 100 ग्राम ऑफ ओलियम हैज गॉट 10 ग्राम्स ऑफ SO3 एंड 90 ग्राम्स ऑफ H2SO4. राइट, सो इसमें क्या बताया जा रहा है? इसमें ये बताया जा रहा है, इट इज बीइंग सेड दैट कि 100 ग्राम्स ऑफ ओलियम हैज 10 ग्राम्स ऑफ SO3 एंड 90 ग्राम्स ऑफ H2SO4. राइट, तो इसमें क्या हो जाएगा? टेज लेबलिंग निकालेंगे, टेज लेबलिंग निकालेंगे एंड देन मैक्सिमम मास ऑफ H2SO4 निकालेंगे. कितना हो जाएगा? 100 प्लस 9 बाय 40 इंटू ए, कितना हो गया? 100 प्लस कितना आ गया? 9 बाय 40, 9 बाय 40 इंटू कितना? 10. कितना हो गया ये? दिस कम्स आउट टू बी 9 बाय 4, कितना आ गया? 100 प्लस 2.25. सो दिस 2.25 इज व्हाट? 2.25 ग्राम्स. दिस 2.25 ग्राम्स इज व्हाट? दिस इज द मास ऑफ वाटर एडेड टू कन्वर्ट 10 ग्राम SO3 टू H2SO4. राइट, तो इसके बेसिस पे परसेंटेज लेबलिंग कितना हो गया? परसेंटेज लेबलिंग हो गया हाउ मच? दिस इज 100 एंड दिस इज 2.25, सो दिस कम्स आउट टू बी कितना? 100 प्लस 2.25, 100 प्लस 2.25, दिस इज इक्वल टू 102.25%. राइट, एंड इसके हिसाब से क्या मैक्सिमम मास ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा? 100 ग्राम ओलियम था, उसमें हमने क्या कर दिया, कितना अमाउंट ऑफ वाटर डाल दिया? 2.25 ग्राम ऑफ वाटर डाल दिया, विच बिकम्स इज इक्वल टू 102.25 ग्राम्स. राइट, सो दिस इज एक्चुअली द मैक्सिमम मास ऑफ H2SO4 दैट इज ऑब्टेन्ड. राइट, आई होप सो क्लियर हुआ होगा. इसमें कुछ भी ऐसा कोई खास चैलेंज नहीं है. ठीक है, राइट. नाउ नेक्स्ट में आते हैं. सो मैक्सिमम मास ऑफ H2SO4 कितना आ गया? मैक्सिमम मास ऑफ H2SO4 आ गया 102.25. ठीक है, राइट. तो सिमिलरली अब देखो जरा यहां पे, अब हम लोग ने यहां पे क्या कर दिया है,
मास ऑफ ओलियम को 100 ग्राम नहीं लिया, उसको चेंज कर दिया है। जैसे ये वाला क्वेश्चन क्या है, बिकॉज ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये वाला क्वेश्चन क्या है, पहला वाला क्वेश्चन है, वी हैव 50 ग्राम ऑफ ओलियम एंड 50 ग्राम ऑफ ओलियम में देर इज 20 ग्राम ऑफ SO3 एंड 30 ग्राम ऑफ H2SO4, राइट। तो इसमें बोल रहे हैं क्या कि 50 ग्राम ऑफ ओलियम है, तो 50 ग्राम ऑफ ओलियम में कितना है, कितना बोला, 20 ग्राम ऑफ SO3 बोला एंड क्या बोला, 30 ग्राम ऑफ H2SO4, ठीक है, राइट। तो अगर 150 ग्राम ओलियम इतना है, तो मैंने ऑलरेडी बताया परसेंटेज लेबलिंग हमेशा कितना लेते हैं, 100 ग्राम लेते हैं। तो 100 ग्राम ओलियम में कितना होगा, 100 ग्राम ओलियम में, 50 ग्राम ओलियम में 20 ग्राम ऑफ SO3, तो 100 ग्राम ओलियम में क्या हो जाएगा, 40 ग्राम SO3 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 40 ग्राम ऑफ SO3, 40 ग्राम ऑफ SO3 एंड कितना, 60 ग्राम ऑफ H2SO4, राइट। तो फिर इसके हिसाब से वही पिछला वाला क्वेश्चन हो गया, परसेंटेज लेबलिंग, मगर इसमें मैक्सिमम मास ऑफ H2SO4 निकालना पड़ेगा, उस पर ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है। परसेंटेज लेबलिंग कितना आ गया, 100 प्लस कितना, 9/40 इंटू ए, 100 ग्राम के लिए निकाल लेना, राइट। सो कितना आ गया, 100 प्लस 9/40 इंटू 40 ग्राम ना कट जाएगा, कितना आ गया ये, दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच, 100 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 109%। तो पहली बात परसेंटेज लेबलिंग तो आ गया हमको, 109% है, राइट। मगर मैक्सिमम मास ऑफ H2SO4 कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम मास ऑफ H2SO4 कैसे आएगा, 100 ग्राम ओलियम के लिए वाटर कितना ऐड किया, मास ऑफ वाटर एडेड इज इक्वल टू कितना, 9 ग्राम ना। तो हमको क्वेश्चन में 50 ग्राम ओलियम दिया गया ना, सो फॉर 50 ग्राम ओलियम, देयरफॉर फॉर 50 ग्राम ओलियम मास ऑफ वाटर एडेड इज इक्वल टू कितना, 9/2, दैट मीन्स 4.5 ग्राम्स, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम मास ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 50 प्लस कितना, 4.5, दिस कम्स आउट टू बी 54.5 ग्राम्स, दिस इज द फाइनल आंसर, राइट, दिस इज द फाइनल आंसर दैट इज ऑप्टेन। सो 54.5 ग्राम्स इज द मैक्सिमम मास ऑफ H2SO4 एंड परसेंटेज लेबलिंग कितना है, परसेंटेज लेबलिंग है 109%, राइट। आई होप सो समझ में आया होगा, हम लोग इसको बहुत बार पढ़ चुके हैं, राइट। सो परसेंटेज लेबलिंग कितना आ गया, 109% आ गया, एंड मैक्सिमम मास ऑफ H2SO4 व्हिच इज ऑब्टेंड इज कितना, मैक्सिमम मास ऑफ H2SO4 जो ऑब्टेन हुआ है वो कितना है, 54.5 ग्राम्स है, ठीक है, एंड मैक्सिमम मास ऑफ H2SO4 ऑब्टेंड इज 54.5 ग्राम्स, राइट। नाउ अब उसके बाद क्या कर दिया, उसको देखो कैसे चेंज कर दिया, अभी तक तो हम लोग 100 ग्राम ले रहे थे, क्या ले लिया, 1 ग्राम ऑफ ओलियम, तो 1 ग्राम ऑफ ओलियम हैज गॉट 0.8 ग्राम ऑफ SO3 एंड 0.2 ग्राम ऑफ H2SO4, तो इसको भी कैसे किया जाएगा, इसको भी करने का एकदम सिंपल तरीका है, क्या करेंगे हम लोग इसमें, वी हैव नाउ 1 ग्राम ओलियम, 1 ग्राम ओलियम हैज गॉट कितना, 0.8 ग्राम, 0.8 ग्राम ऑफ SO3 एंड 0.2 ग्राम्स ऑफ H2SO4, राइट। तो ये काम सीधा किस तरह किया जाएगा, विल टेक व्हाट, विल कंसिडर 100 ग्राम ऑफ ओलियम, राइट। सो इफ वी कंसिडर 100 ग्राम ऑफ ओलियम, तो 100 ग्राम ऑफ ओलियम के लिए क्या हो जाएगा, 100 ग्राम ऑफ ओलियम के लिए हो जाएगा हमारे पास 80 ग्राम्स ऑफ SO3 एंड 20 ग्राम्स ऑफ H2SO4, राइट। तो ये क्या हो गया, ये हो गया वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। तो परसेंटेज लेबलिंग आ जाएगा, परसेंटेज लेबलिंग
percentage labeling of oleum. This kitna 100 plus 9 by 40 into A. That means 100 plus 9 by 40 into 80. 41 times, 42 times. Right? So this comes out to be how much? This comes out to be 100 plus 18 grams. Ye kya hai? This is the mass of water added to what? 100 gram of oleum. तो पहली बात परसेंटेज लेबलिंग कितना हो गया, परसेंटेज लेबलिंग जो हो गया दैट इज 100 प्लस 18 व्हिच इज इक्वल टू 118%, राइट? दिस बिकम्स अ परसेंटेज लेबलिंग. नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम मास ऑफ H2SO4 ऑब्टेन्ड? मैक्सिमम मास ऑफ H2SO4 क्या होगा? मास ऑफ ओलियम प्लस मास ऑफ वाटर दैट इज एडेड. ठीक है, तो यहां पे क्या आ रहा है? यहां पे ये आ रहा है कि 100 ग्राम ओलियम में कितना पानी डाला? 18 ग्राम डाला ना. सो देयरफॉर mass of water added to 1 gram oleum kitna ho jayega? 18 by 100 na, which is how much? Which is equal to 0.18 gram. This is the mass of water that is added, right? So maximum mass of H2SO4 obtained कितना हो गया? 1 ग्राम तो ओलियम था प्लस मास ऑफ वाटर दैट इज एडेड विच इज कितना यहां पे लिखता हूं, विच इज इक्वल टू 1 प्लस 0.18. ठीक है, विच बिकम्स इक्वल टू 1.18 ग्राम्स. राइट, दिस इज द maximum mass of H2SO4 that can be obtained, right? Okay, now uske baad next let us move on to, abhi aage ek do questions bahut acche hain, usme concept ekdam clear hoke aayega. Agla wala question jo hai 200 grams of, ye wala question maine kara diya tha pichle lecture mein, kiya hua ye wala question. So this question has been done, main is wale question ko dobara repeat nahi kar raha hu. This has been done jahan pe 200 gram of oleum tha, usme 40 grams of SO3 tha aur 160 ग्राम्स ऑफ H2SO4 था. तो परसेंटेज लेबलिंग आया था 104.5% एंड मोलर मास आया था, नहीं किया क्या ये वाला क्वेश्चन हमने? नहीं किया, करवा देता हूँ. ठीक है, चलो करवा देता हूँ. यहाँ पे हमारे पास क्या है? 200 ग्राम से, बहुत सिंपल है, अभी समझ में आ गया क्या करना है. हमारे पास यहाँ पे 200 ग्राम्स ऑफ ओलियम है, तो 200 ग्राम्स ऑफ ओलियम में क्या क्या है हमारे पास? इन 200 ग्राम्स ऑफ ओलियम वी हैव 40 grams of SO3 and we have 160 grams of water, right? तो 200 ग्राम में इतना है, तो फिर 100 ग्राम ओलियम में क्या होगा? Therefore, for 100 ग्राम ओलियम क्या होगा? In 100 ग्राम ओलियम what will happen? There is 20 grams of SO3 and there is 80 grams of water, right? तो इस बेसिस पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं? वी कैन इजिली फाइंड आउट द परसेंटेज लेबलिंग. तो परसेंटेज लेबलिंग कैसे आ जाएगा? परसेंटेज लेबलिंग होगा 100 प्लस 9 बाय 40 इंटू ए. ए कितना आया है यहां पे? दिस इज 20 ग्राम्स. तो जो 20 ग्राम है दिस इज द वैल्यू ऑफ ए. ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? इसके हिसाब से हो जाएगा 100 प्लस 9 बाय 40 इंटू कितना? 20. 41 टाइम्स, 42 टाइम्स, राइट? सो दिस बिकम्स हाउ मच? दिस बिकम्स 100 प्लस 4.5 ग्राम्स. तो ये 4.5 क्या है? 4.5 है, दिस इज द मास ऑफ वॉटर विच इज एडेड टू 100 ग्राम ऑफ ओलियम, राइट? तो यहां से परसेंटेज लेबलिंग कितना निकल कर आ गया? परसेंटेज लेबलिंग निकल कर आ गया 104.5%. दिस कम्स आउट टू बी द परसेंटेज लेबलिंग, राइट? तो उसके बाद क्या मैक्सिमम मास ऑफ H2SO4 निकालना है? मैक्सिमम मास ऑफ H2SO4 कैसे आएगा?
मैक्सिमम मास ऑफ H2SO4 किस तरह से आएगा? वेरी सिंपल, 100 ग्राम ओलियम में क्या किया है, मास ऑफ वाटर कितना ऐड किया है, 4.5 ग्राम्स, राइट। देयरफॉर 200 ग्राम ओलियम में मास ऑफ वाटर कितना ऐड हो जाएगा, 4.5, इसका डबल हो जाएगा, दिस विल बी 4.5 इंटू 2, राइट, विच बिकम्स इक्वल टू कितना, विच बिकम्स इक्वल टू 9.0 ग्राम्स। तो मैक्सिमम मास कितना आ गया H2SO4 का, सो मैक्सिमम मास ऑफ H2SO4 ऑब्टेन्ड कितना हो जाएगा, दिस विल बी 200 ग्राम ओलियम का था प्लस 200 ग्राम में कितना 9 ग्राम वाटर डाला गया है, विच इज इक्वल टू हाउ मच, विच बिकम्स इक्वल टू 209 ग्राम्स। दिस इज द मैक्सिमम मास ऑफ H2SO4 ऑब्टेन्ड, राइट। सो नाउ नेक्स्ट जो है, अब देखो आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस है, दिमाग खुलेगा। पहला वाला क्वेश्चन लेते हैं, दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल लेबलिंग ऑफ ओलियम, राइट। सो लेट अस टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वी हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल लेबलिंग ऑफ ओलियम, ठीक है। तो यहां से देखो जरा, ओलियम का लेबलिंग जो है किस वजह से हो रहा है, ओलियम का लेबलिंग जो हो रहा है, जो 100 प्लस समथिंग आ रहा है, वो 100 प्लस समथिंग क्या है, 100 प्लस समथिंग इज बिकॉज ऑफ SO3 ना, राइट। सो देखो जरा, हमसे कह रहे हैं कि मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल लेबलिंग ऑफ ओलियम, ठीक है, राइट। सो नाउ सी, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम का फॉर्मूला क्या है, बताओ जरा, परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम का फॉर्मूला क्या है, बताओ, 100 प्लस 9/40 इंटू ए ना, दिस इज ओनली व्हाट, परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम, राइट, 100 प्लस 9/40 इंटू व्हाट, 9/40 इंटू ए, राइट, दिस इज द परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम, राइट। सो इन दिस केस अभी कहा जाए कि इस जो परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम का जो एक्सप्रेशन आया है, इसको क्या होना चाहिए, इसको मैक्सिमम होना चाहिए, राइट। ये मैक्सिमम कब होगा, 100 तो एनीवेज कांस्टेंट है, 9/40 तो कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है, ए है ना, ये मैक्सिमम कब होगा, व्हेन ए इज मैक्सिमम ना, परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम विल बी मैक्सिमम व्हेन दिस एंटायर एक्सप्रेशन इज मैक्सिमम, ये पूरा एंटायर एक्सप्रेशन मैक्सिमम कब होगा, इसमें 100 जो है कांस्टेंट है, 9/40 कांस्टेंट, एक ही वेरिएबल है कितना ए, तो ए जब मैक्सिमम होगा तो अपने आप परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। अभी बात को समझो, 100 ग्राम ओलियम में हमारे पास क्या होता है, ए ग्राम SO3 होता है, राइट, एंड 100 माइनस ए ग्राम क्या होता है, H2SO4 होता है। अब मैं कह रहा हूं दैट दिस ए शुड बी मैक्सिमम, ए शुड बी मैक्सिमम, मतलब ओलियम में दो कंपोनेंट है, SO3 और H2SO4, राइट, उसमें से SO3 का अमाउंट मैक्सिमम होना चाहिए, SO3 का अमाउंट मैक्सिमम कब होगा, व्हेन दिस अमाउंट ऑफ H2SO4 कितना होगा, जीरो होगा, और जिस वजह से ए कितना हो जाएगा, 100 माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, तो ए कितना आ जाएगा, 100 ग्राम्स आ जाएगा, राइट। सो दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, ये जो है दिस इज एक्चुअली द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ SO3 इन व्हाट, 100 ग्राम ऑफ ओलियम, इजन इट, राइट, दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ SO3 इन 100 ग्राम्स ऑफ ओलियम, राइट। तो अब
100 ग्राम्स ऑफ ओलियम। ठीक है, अब तो बहुत बात बहुत सिंपल हो गई। तो इसके हिसाब से क्या मैक्सिमम परसेंटेज लेबलिंग, मैक्सिमम परसेंटेज लेबलिंग कब, व्हेन ए मैक्स इज इक्वल टू, ए इज मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना, 100 ग्राम। सो कितना आ जाएगा, 100 प्लस 9/40 इंटू ए मैक्सिमम ना, दिस विल बिकम 100 प्लस 9/40 इंटू ए मैक्सिमम, राइट। सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, दिस विल बी इक्वल टू 100 प्लस 9/40 इंटू ए मैक्सिमम। ए मैक्सिमम कितना आ गया, 100 आ गया, राइट। तो अगर ए मैक्सिमम 100 आ गया तो इसके हिसाब से कितना हो गया ये, दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी इक्वल टू 100 प्लस 9/40, 904, ये कैंसिल आउट हो गया, 90/4, 90/4, 90/4 कितना हो जाता है, 100 प्लस 22.5, राइट। सो मैक्सिमम परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम कितना आ गया, मैक्सिमम परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम कितना आ गया, दिस कम्स आउट टू बी 100 प्लस 22.5, विच इज इक्वल टू 122.5%। दिस इज द मैक्सिमम परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम दैट इज पॉसिबल, राइट। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम, मैक्सिमम परसेंटेज लेबलिंग। आई होप सो क्लियर हुआ होगा, एक बार देख लो इसको, पूरा क्वेश्चन एक साथ देख लो। मैंने क्या बताया कि परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम क्या होता है, 100 प्लस 9/40 इंटू ए, ठीक है। तो 100 प्लस 9/40 इंटू ए, ए क्या है, ए इज द मास ऑफ एसओ थ्री इन 100 ग्राम ऑफ ओलियम। सो ये जो एक्सप्रेशन है 100 प्लस 9/40 इंटू ए मैक्सिमम कब होगा, यहां से ये वाला एक्सप्रेशन मैक्सिमम कब होगा, ये वाला एक्सप्रेशन मैक्सिमम तब होगा जब ए जो है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो ए का मैक्सिमम होने का चांस क्या है, ए का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, ए का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, जब सोल्यूशन में, जब इसमें ओलियम में सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ एसओ थ्री है और एच टू एसओ फोर कितना हो गया, जीरो हो गया। मतलब 100 माइनस ए इज इक्वल टू कितना, 100 माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, मतलब ए कितना आ गया, 100 ग्राम्स आ गया, ठीक है। तो यहां से ए कितना निकल कर आ गया, 100 ग्राम्स आ गया। तो अगर ए 100 ग्राम्स आ गया, दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एच टू एसओ फोर। तो इसके हिसाब से हमने क्या कर लिया, इसके हिसाब से हमने मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम को यहां पे ला करके कैलकुलेट कर लिया, राइट। नाउ अब क्या कह रहे हैं, वी हैव टू कैलकुलेट द मिनिमम पॉसिबल परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम, राइट। सो मिनिमम परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम This is minimum possible percentage labeling of oleum. राइट, तो हाउ टू फाइंड आउट द मिनिमम पॉसिबल परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम। अब देखो ये बहुत सिंपल है, हाउ डू वी कैलकुलेट द मिनिमम पॉसिबल परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम। नाउ सी, दिस इज वेरी सिंपल थिंग। सो मिनिमम पॉसिबल परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम निकालने के लिए फिर से क्या है हमारे पास, 100 ग्राम है किसका, ओलियम का, वी हैव 100 ग्राम ऑफ ओलियम, ठीक है। इसमें क्या है हमारे पास, 1 ग्राम है एसओ थ्री का और 100 माइनस 1 ग्राम है किसका, 100 माइनस 1 ग्राम है एच टू एसओ फोर का, ठीक है। दिस इज 100 माइनस 1 ग्राम ऑफ एच टू एसओ फोर, राइट। तो इसके हिसाब से परसेंटेज लेबलिंग क्या होता है बताओ जरा, परसेंटेज लेबलिंग इज 100 प्लस
9 बाय 40 इंटू ए ना, तो ये मिनिमम होना है। तो ये मिनिमम कब होगा, दिस वाला एक्सप्रेशन मिनिमम कब होगा, दिस विल बी मिनिमम व्हेन, व्हेन व्हाट, व्हेन ए इज मिनिमम ना, राइट। तो ए इज मिनिमम मतलब क्या, ए का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, ए का मिनिमम वैल्यू हो सकता है जीरो। मतलब जो हमारे पास ओलियम का सोल्यूशन है उसमें जो है SO3 जो है बिल्कुल है ही नहीं। तो अगर ए का मिनिमम वैल्यू जीरो है तो मिनिमम परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम कितना आ जाएगा, इफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए इज जीरो, इसका मतलब क्या हो गया, मिनिमम परसेंटेज लेबलिंग क्या हो गया, देयरफॉर मिनिमम परसेंटेज लेबलिंग कितना हो गया, 100 प्लस 9 बाय 40 इंटू ए, ये वाला टर्म क्या हो गया, जीरो हो गया। सो मिनिमम परसेंटेज लेबलिंग क्या हो गया, 100% हो गया। मतलब ऐसा सोल्यूशन जिसके पास SO3 है ही नहीं, तो जब SO3 है ही नहीं तो इसमें वाटर डालेंगे नहीं, तो इसमें जब वाटर नहीं पड़ेगा मतलब जितना H2SO4 उतना ही H2SO4 रहेगा। तो मिनिमम परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम कम्स आउट टू बी हाउ मच, इट कम्स आउट टू बी 100%, राइट। सो एक बार देख लो ये वाला क्वेश्चन, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा। जस्ट हैव अ लुक टू दिस क्वेश्चन, राइट, कैसे मिनिमम निकाला और कैसे हमने मैक्सिमम निकाला, ठीक है, राइट। नाउ नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैलकुलेट ओलियम लेबलिंग ऑफ इक्विमोलर ओलियम सैंपल। मतलब यू हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज लेबलिंग ऑफ इक्विमोलर ओलियम सैंपल, मतलब ऐसा सैंपल ऑफ ओलियम जिसके पास इक्वल नंबर ऑफ मोल्स है SO3 के एज वेल एज H2SO4 के, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड, क्वेश्चन सेज, अच्छा क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन, लेट अस सी। क्वेश्चन सेज कि फाइंड परसेंटेज लेबलिंग ऑफ इक्विमोलर मिक्सचर, इक्विमोलर ओलियम। तो अगर हम इक्विमोलर ओलियम की बात करेंगे, मींस जो ओलियम है, मतलब हमारे पास जो ओलियम प्रेजेंट है, उस ओलियम में मोल्स ऑफ SO3 कितने हो गए, मान लो मोल्स ऑफ SO3 हो गए x एंड मोल्स ऑफ H2SO4 भी कितने हो गए x, ठीक है। तो इसके हिसाब से बताओ जरा मास ऑफ SO3 कितना आ जाएगा, मोल्स इंटू मोलर मास, ठीक है। मतलब मोलर मास ऑफ SO3 क्या होता है, 80 होता है, तो कितना हो गया 80 इंटू एक्स, ठीक है। और यहां से मास ऑफ H2SO4 कितना आ जाएगा, मोल्स इंटू मोलर मास ऑफ H2SO4 कितना होता है 98, राइट। सो कितना आ जाएगा 98x, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये आ गया मास ऑफ SO3 और ये आ गया मास ऑफ H2SO4, ठीक है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं परसेंटेज लेबलिंग। परसेंटेज लेबलिंग में हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग 100 ग्राम ऑफ ओलियम लेते हैं ना। देयरफॉर फॉर 100 ग्राम ओलियम परसेंटेज लेबलिंग हम निकालते हैं 100 ग्राम ओलियम के लिए ना। सो देयरफॉर फॉर व्हाट 100 ग्राम ओलियम, तो फॉर 100 ग्राम ओलियम क्या हो जाएगा, 100 ग्राम ओलियम के लिए मास ऑफ SO3 प्लस मास ऑफ H2SO4 कितना है, दैट इज इक्वल टू 100, राइट। सो दिस बिकम्स इक्वल टू 80x प्लस 98x इज इक्वल टू कितना, 100, राइट। तो 80 प्लस 98 कितना हो गया, ये हो गया 178x इज इक्वल टू कितना, 100, राइट। सो दिस बिकम्स हाउ मच, दिस बिकम्स इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना आ गया, 100 अपॉन 178 आ गया, x का वैल्यू आ गया। तो हमको क्या चाहिए, परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम निकालना है ना। तो परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम हमको क्या चाहिए होता है, हमको मास ऑफ SO3 चाहिए होता है, मतलब a चाहिए होता है, राइट। तो मास ऑफ SO3 कितना आ जाएगा यहां से,
मास ऑफ SO3 कितना आ जाएगा? मास ऑफ SO3 आ जाएगा 80 इंटू एक्स ना, मतलब 80 इंटू एक्स के वैल्यू हमने कितना निकाला, एक्स के वैल्यू हमने निकाला 100 अपॉन 178, राइट। तो दिस बिकम्स इक्वल टू 80 इंटू 100 अपॉन 178, राइट। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, दैट मीन्स मास ऑफ SO3, राइट। तो अब इसके हिसाब से क्या करेंगे, वी कैन इजिली फाइंड आउट व्हाट, वी कैन इजिली फाइंड आउट द परसेंटेज लेबलिंग। तो इसके हिसाब से परसेंटेज लेबलिंग कितना आ जाएगा, परसेंटेज लेबलिंग हो जाएगा कितना, 100 प्लस 9/40 इंटू ए, राइट। सो कितना हो गया, दिस बिकम्स 100 प्लस 9/40 इंटू ए, कितना हो गया हमारे पास, ए हो गया 80 इंटू 100 बाय 178। सो ये हो गया 80 इंटू 100 बाय 178, 41 टाइम्स, 42 टाइम्स, ठीक है, राइट। उसके बाद 21 टाइम्स एंड 2, ये कितना हो गया 178 आया ना, सो दिस बिकम्स हाउ मच, दिस बिकम्स 89, राइट। सो दिस कम्स आउट टू बी कितना, दिस कम्स आउट टू बी 100 प्लस 9 इंटू 100 बाय 89, ठीक है, राइट। तो अगर हम इसको सॉल्व करने जाएंगे, 9 इंटू 100 बाय 89 कितना आ जाएगा, ये दिस विल कम आउट टू बी 9 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 89, दिस कम्स आउट टू बी 10.11, राइट। सो दिस बिकम्स कितना, दिस बिकम्स 100 प्लस 10.11 ग्राम्स, विच बिकम्स 110.11 ग्राम्स, राइट। दिस इज द परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम हैविंग इक्वीमोलर मिक्सचर ऑफ SO3 एंड H2SO4, ठीक है। सो आई होप सो ये भी जो है समझ में आया होगा। हमने क्या किया है, हमें हमको कहा जा रहा है कि फाइंड आउट द परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम, मतलब ऐसा ओलियम का मिक्सचर जिसके पास इक्वल नंबर ऑफ मोल्स है, किसके, उसके पास इक्वल नंबर ऑफ मोल्स है SO3 के और H2SO4 के। तो ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे, बहुत सिंपल तरीके से हमने काम किया, हमने सिंपल तरीके से काम किया, सिंपल तरीके काम हमने किया कि मोल्स ऑफ SO3 कितना ले लिया, x ले लिया, एंड मोल्स ऑफ H2SO4 कितना ले लिया, x ले लिया, बराबर बराबर मोल्स ले लिए। तो फिर इसके हिसाब से मास ऑफ SO3 कितना आ जाएगा, 80 इंटू एक्स आ जाएगा ना, बिकॉज मोलर मास इंटू मोल्स इज मास, एंड सिमिलरली मास ऑफ H2SO4 कितना आ जाएगा, 98 इंटू एक्स, एक्स मोल्स हो गया, और 98 क्या हो गया, मोलर मास ऑफ H2SO4 हो गया, राइट। सो एज पर दिस 100 ग्राम्स ऑफ वॉल्यूम के लिए कितना, मतलब टोटल मास ऑफ वॉल्यूम कितना, 100 हो गया ना, बिकॉज परसेंटेज लेबलिंग हम लोग किसके निकालते हैं, वी ऑलवेज फाइंड आउट परसेंटेज लेबलिंग फॉर 100 ग्राम्स ऑफ द वॉल्यूम, राइट। सो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, मास ऑफ SO3 प्लस मास ऑफ H2SO4 कितना हो गया, 100 हो गया ना, राइट। तो इसके हिसाब से कितना हो गया, 80x प्लस 98x इज इक्वल टू कितना, 100। सो 80 प्लस 98 कितना हो जाता है, 178 हो जाता है, राइट। सो दिस कम्स आउट टू बी 100, राइट। तो x के वैल्यू कितना आ गया, x के वैल्यू हमारे पास आ गया 100 डिवाइडेड बाय 178, दिस कम्स आउट टू बी द वैल्यू ऑफ x, राइट। एक बार x के वैल्यू आ गया तो हमको क्या चाहिए, परसेंटेज लेबलिंग क्या चाहिए होता है, परसेंटेज लेबलिंग हमको चाहिए होता है 100 प्लस 9/40 इंटू ए, मतलब ए चाहिए होता है, ए क्या होता है, मास ऑफ H2SO4 होता है, सॉरी मास ऑफ SO3 होता है। तो मास ऑफ SO3 कितना, 80 इंटू एक्स है ना, मतलब 80 इंटू एक्स, एक्स के वैल्यू कितना, 100 अपॉन 178, ठीक है, राइट। तो इसको वैल्यू को यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लाके पुट कर देंगे, मतलब 100 प्लस 9/40 इंटू ए, 80 इंटू 100 अपॉन 178, सॉल्व किया इसको पूरा, तो सॉल्व करने पे आंसर कितना आया हमारा, आंसर आया 110.11%, राइट। सो दिस इज द परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम दैट इज ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पे इन्होंने ऑलमोस्ट आंसर लिखा है कि 110%, राइट, दिस इज द अप्रोक्सीमेट आंसर दैट दे हैव रिटन, ठीक है, राइट। नाउ अभी ये वाला क्वेश्चन करेंगे, पहले मैं क्या करता हूं, पहले ये टेबल वाला क्वेश्चन कराता हूं। टेबल में हमें क्या क्या दिया गया, हमें तीन कॉलम, दो कॉलम दिए गए, हमें मास ऑफ वॉल्यूम दिया गया, वी हैव बीन गिवन टू कॉलम्स, मास ऑफ वॉल्यूम एंड वी हैव बीन गिवन परसेंटेज लेबलिंग, वी हैव टू फाइंड आउट द मास ऑफ SO3 एंड मास ऑफ H2SO4 विच इज प्रेजेंट इन द ओलियम, ठीक है, राइट।
तो ये बहुत सिंपल है, मैं इसके बस दो या तीन पार्ट सॉल्व करूंगा, रिमेनिंग पार्ट्स यू विल सॉल्व इट ऑन योर ओन। मैं क्या कर रहा हूं, मैं अभी तुमको इसके एक दो और तीन दो पार्ट में सॉल्व करके दिखा देता हूं, ठीक है? दो पार्ट कैसे सॉल्व हो गए मैं ये दो पार्ट सॉल्व करके बता देता हूं, उसके बाद जो बचे हुए थ्री पार्ट्स हैं, रिमेनिंग जो तीन पार्ट्स हैं, व्हाट आई एम गोइंग टू डू केस वाले क्वेश्चन में, बिकॉज इट्स वन एंड द सेम थिंग, एक ही चीज को बार बार सेम तरीके से किया गया है। ये जो है मैं क्या कर रहा हूं, आई एम सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट्स, ठीक है? आई एम सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट, ये क्लास वर्क हो गया, एंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट जो है तुम्हारा, दिस थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट जो है, दिस विल बिकम योर व्हाट, दिस विल बिकम योर होमवर्क, राइट? तो ये तुम लोग खुद से सॉल्व करोगे। इसमें आई एम सॉल्विंग जस्ट टू पार्ट्स। तो पहले वाले पार्ट में क्या है, पहले वाले पार्ट में है हमारे पास 200 ग्राम ऑफ ओलियम है, एंड दिस 200 ग्राम ऑफ ओलियम इज 102.25%, ठीक है? तो हमको कह रहे हैं कि गिवन क्या है, गिवन है हमको 200 ग्राम ऑफ ओलियम। तो ये जो 200 ग्राम ऑफ ओलियम है, दिस इज 200 ग्राम ऑफ ओलियम, राइट? एंड दिस इज परसेंटेज लेबलिंग इसका कितना है, परसेंटेज लेबलिंग इसका है 102.25%, ठीक है, राइट? तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब बहुत सिंपल है, परसेंटेज लेबलिंग, कि क्या होता है, दिस इज फॉर 100 ग्राम ना, परसेंटेज लेबलिंग जो होता है किसके लिए होता है, फॉर 100 ग्राम होता है ना, राइट? तो इसमें क्या बताएंगे हम लोग, इसमें परसेंटेज लेबलिंग हमें कितना दिया गया है, ये दिया गया है हमको, दिस इज गिवन एज 102.25%, राइट? सो ये कितना हो गया, दिस कम्स आउट टू बी 102.25%, दिस इज इक्वल टू 100 प्लस कितना, 9/40 इंटू ए, राइट? 9/40 इंटू ए, ए क्या है, ए जो है यहां पे, दिस इज द मास ऑफ SO3 इन व्हाट, 100 ग्राम ऑफ ओलियम, ठीक है? तो इसके हिसाब से क्या हो गया, इसके हिसाब से हमारे पास 2.25, दिस बिकम्स इक्वल टू 9/40 इंटू ए, राइट? सो दिस बिकम्स कितना, ए का वैल्यू कितना हो गया, 2.25 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, राइट? तो इफ यू जस्ट लुक एट इट केयरफुली, वेट, इफ यू जस्ट लुक एट इट केयरफुली, ये कितना है, 2.25, ध्यान से देखो, इज इक्वल टू 9/40, मैं क्या लिख रहा हूं इसको, 9/4 इंटू ए बाय 10, आई एम राइटिंग इट लाइक दिस, ठीक है? एंड इफ यू जस्ट ऑब्जर्व केयरफुली, 9/4 क्या होता है, 2.25 होता है, तो 9/4 एंड 2.25 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या आ गया, यहां से हमारे पास ए मतलब मास ऑफ SO3 इन 100 ग्राम ओलियम कितना आ गया, ये आ गया 10 ग्राम्स, ए का वैल्यू मास ऑफ SO3 इन 100 ग्राम ऑफ ओलियम कितना आ गया, 10 ग्राम्स आ गया, देयरफॉर सो फॉर हमको क्वेश्चन में दिया गया कितना, हमको क्वेश्चन में दिया गया है 200 ग्राम ओलियम, तो 200 ग्राम ओलियम में क्या हो जाएगा, 200 ग्राम ओलियम में हमारे पास मास ऑफ SO3 कितना हो जाएगा, 2 × 10, दैट मीन्स 20 ग्राम्स, एंड मास ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा, 200 − 20, दैट इज 180 ग्राम्स, समझे क्या, राइट? तो जो हमें सैंपल दिया गया है, हमें जो सैंपल दिया गया है 200 ग्राम्स ऑफ ओलियम, उसमें जो है क्या क्या है, पूरा क्वेश्चन देख लो एक साथ, 200 ग्राम्स ऑफ ओलियम जो है उसमें हमने क्या निकाला, उसमें हमने मास ऑफ SO3 निकाला कितना, 20 ग्राम्स, एंड मास ऑफ H2SO4 निकाला 180 ग्राम्स, ठीक है? तो इस 200 ग्राम सैंपल में हमारे पास मास ऑफ SO3 आ गया कितना, 20 ग्राम्स, एंड मास ऑफ H2SO4 आ गया कितना, 180 ग्राम्स, राइट? सो दिस इज द थिंग। नाउ एक और पार्ट कर देता हूं, अगले वाले पार्ट में क्या कहा जा रहा है, अगले वाले पार्ट में कह रहे हैं वी हैव
300 ग्राम्स ऑफ वॉल्यूम एंड इट इज लेबल्ड एज 104.5%। ठीक है, सो नाउ वी हैव 300 ग्राम्स ऑफ वॉल्यूम एंड इसका परसेंटेज लेबलिंग जो है कितना दिया गया है, परसेंटेज लेबलिंग दिया गया है 104.5%। परसेंटेज लेबलिंग इसके बना 104.5%। ठीक है, 300 ग्राम ऑफ वॉल्यूम एंड परसेंटेज लेबलिंग इज 104.5%। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, 100 ग्राम वॉल्यूम ले लेते हैं। 100 ग्राम वॉल्यूम में परसेंटेज लेबलिंग कितना हो गया, परसेंटेज लेबलिंग हो गया 100 प्लस 9/40 इंटू ए। ए क्या है, ए इज द मास ऑफ एसओ थ्री इन हाउ मच, 100 ग्राम ऑफ वॉल्यूम, राइट। सो परसेंटेज लेबलिंग कितना दिया गया, दिस इज गिवन एज 104.5%। सो दिस इज 100 प्लस 9/40 इंटू ए। ठीक है, इसके हिसाब से क्या हो गया, 9/40 इंटू ए, दिस कम्स आउट टू बी 4.5, राइट। तो इसके हिसाब से कितना हो गया, 9/40, फिर से क्या करेंगे, 9/4 इंटू ए बाय 10 इज इक्वल टू कितना, 4.5। और अभी हम लोग जानते हैं कि 9/4 क्या होता है, 2.25 होता है ना। सो 9/4, 9/4 एंड 4.5 कैंसिल होगा, कितना आएगा, दिस विल कम आउट टू बी कितना, दिस विल कम आउट टू बी 2। तो इसके हिसाब से a बाय 10 कितना हो गया, 2 हो गया, विच इंप्लाइज a इज इक्वल टू कितना हो गया, 20 ग्राम हो गया। मीन्स वॉट, देयरफॉर 100 ग्राम ओलियम हैज कितना, 20 ग्राम ऑफ SO3 एंड 80 ग्राम ऑफ H2SO4। सो देयरफॉर 300 ग्राम ऑफ ओलियम विल हैव मास ऑफ SO3 कितना, 20 इंटू 3 विच इज 60 ग्राम, एंड मास ऑफ H2SO4 कितना, 80 इंटू 3 दैट मीन्स 240 ग्राम्स, राइट। दिस बिकम्स द मास ऑफ H2SO4 दैट मीन्स हाउ मच, 240 ग्राम्स। सो कॉम्पोजिशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो कॉम्पोजिशन ओलियम में 300 ग्राम ऑफ ओलियम में SO3 कितना आ गया, SO3 आ गया 60 ग्राम, एंड H2SO4 कितना आ गया, 240 ग्राम्स। ठीक है, राइट, आई होप सो ये भी जो है क्लियर हुआ होगा। ठीक, तो 300 ग्राम ऑफ वॉल्यूम लेबल्ड एज 104.5%, मास ऑफ SO3 कम्स आउट टू बी 60 ग्राम, एंड मास ऑफ H2SO4 कम्स आउट टू बी 240 ग्राम्स। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज बीइंग सेड ओवर हियर, कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन इफ 200 ग्राम ऑफ वॉल्यूम लेबल्ड एज 109% is added with 9 gram of water, ठीक है, right? First part, then calculate oleum labeling of the solution obtained in part A, ठीक है, right? And then if it is added with 18 gram of water, and then if it is added with 50 grams of water, मतलब हमें करना क्या है, एक हमारे पास, we have to find out the composition of the final solution. If there is 200 gram of oleum labeled as 109%. So 200 gram of oleum is labeled as 109%, right? उस oleum solution का final composition निकालना है जब उसमें पहले statement में 9 gram of water डाल दिया जाए, right? फिर उसमें 18 gram of water डाल दिया जाए, फिर उसमें 50 gram of water डाल दिया जाए। ठीक है, I hope so, ये clear हुआ होगा। क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि एक 200 ग्राम ऑफ ओलियम सॉल्यूशन है विच इज लेबल्ड एज कितना, 109%,
200 ग्राम ऑफ ओलियम सॉल्यूशन है विच इज लेबल्ड एज 109%। तो हमें इस सॉल्यूशन का फाइनल कॉम्पोजिशन निकालना है, मतलब इस सॉल्यूशन में सबसे पहली बात फाइंड फाइनल कॉम्पोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन, इसका जो है क्या करेंगे फाइंड फाइनल कॉम्पोजिशन, फाइनल कॉम्पोजिशन आफ्टर एडिंग फर्स्ट 9 ग्राम ऑफ वाटर। तो 200 ग्राम ओलियम, 200 ग्राम ऑफ ओलियम विच इज लेबल्ड एज 109%, उसमें जब हम लोग 9 ग्राम ऑफ वाटर डाल देंगे तो उसका फाइनल कॉम्पोजिशन क्या क्या होगा, मतलब उस फाइनल सॉल्यूशन में H2SO4 कितना होगा और उस फाइनल सॉल्यूशन में SO3 कितना होगा और उस फाइनल सॉल्यूशन में वाटर कितना होगा अगर वाटर बच गया तो, ये चीज हमको जो है क्या करना है निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं, सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि इन दिस सॉल्यूशन, तो ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले मैं इसको हटा देता हूं, पहले मैं सारी चीजों को निकाल लेता हूं, पहले मैं इसका ही कॉम्पोजिशन निकाल लेता हूं, पहले मैं इस ओलियम का कॉम्पोजिशन निकाल लेता हूं कि इस ओलियम का कॉम्पोजिशन क्या है। वी हैव 200 ग्राम ओलियम ना, तो 200 ग्राम ओलियम लेवल एज 109%। सो फॉर 100 ग्राम ओलियम परसेंटेज लेबलिंग कितना दिया गया है, परसेंटेज लेबलिंग दिया गया है 109, दिस इज इक्वल टू 100 प्लस 9/40 इंटू ए, राइट। तो इसके हिसाब से क्या हो गया, इसके हिसाब से आ गया 109 माइनस 100 इज इक्वल टू 9/40 इंटू ए, तो ये इसके हिसाब से कितना हो गया, दिस इज 109, तो इसके हिसाब से कितना हो गया, इसके हिसाब से हो गया 9 इज इक्वल टू 9/40 इंटू ए, तो ये कट जाएगा, तो क्या आ गया हमारे पास, सबसे पहले आ गया ए इज इक्वल टू 40 ग्राम्स, मतलब मास ऑफ SO3 इन 100 ग्राम्स ऑफ ओलियम। ठीक है, सो हमें क्या गिवन है, हमको दिया गया है 200 ग्राम ऑफ ओलियम। सो 200 ग्राम ऑफ ओलियम में बताओ जरा मास ऑफ SO3 कितना होगा, मास ऑफ SO3 होगा 2 × 40, दैट मीन्स 80 ग्राम, राइट। एंड मास ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा, 200 माइनस 80, दैट मीन्स कितना 120 ग्राम। तो दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द ओरिजिनल ओलियम, ओरिजिनल ओलियम का कॉम्पोजिशन। ठीक है, अब क्या किया जा रहा है कि इस ओलियम में सबसे पहले क्या किया गया, 9 ग्राम ऑफ वाटर जो है वो ऐड कर दिया गया इन दिस ओलियम, क्या किया गया 9 ग्राम ऑफ वाटर हैज बीन एडेड। तो बहुत सिंपल चीज है, अगर हम लोग ओलियम में वाटर डालेंगे तो वाटर किससे रिएक्ट करेगा, वाटर डेफिनेटली SO3 से रिएक्ट करेगा ना, राइट। सो इन दिस ओलियम फर्स्ट, सबसे पहला जो है 9 ग्राम्स ऑफ वाटर इज एडेड। ठीक है, 9 ग्राम्स ऑफ वाटर इज, ध्यान से देखना अच्छा क्वेश्चन, 9 ग्राम्स ऑफ वाटर इज एडेड, तो वाटर किससे रिएक्ट करेगा, वाटर रिएक्ट करेगा SO3 से। तो पानी डालने के बाद का कॉम्पोजिशन बताना है, ये जो कॉम्पोजिशन निकाला है ये एक्चुअल ओलियम का कॉम्पोजिशन है, दिस इज द कॉम्पोजिशन बिफोर एडिंग अ वाटर। हमको क्या बताना है, हमको बताना है पानी डालने के बाद कॉम्पोजिशन क्या है। तो पानी डालने के बाद क्या होगा, जैसे ही पानी पड़ेगा वैसे ही वाटर रिएक्ट कर जाएगा ना SO3 के साथ, तो क्या हमारे पास क्या है, SO3 है, वी हैव SO3 प्लस SO3 प्लस कितना H2O, राइट। और ये क्या देगा, ये देगा H2SO4। SO3 कितना है अपने पास, SO3 है अपने पास 80 ग्राम्स विच इज इक्वल टू कितना 1 मोल। H2 अपने पास कितना है, H2 अपने पास है 9 ग्राम्स, H2 अपने पास है 9 ग्राम्स, राइट, विच इज इक्वल टू कितना 1/2 मोल, राइट। तो 1/2 मोल ऑफ H2O विल यूज ओनली 1/2 मोल ऑफ SO3 ना, राइट, एंड विल फॉर्म व्हाट, 1/2 मोल ऑफ
H2SO4 मतलब क्या? 49 ग्राम ऑफ H2SO4 इज फॉर्म्ड, एंड ये कितना यूज हो जाएगा, यहां से कितना यूज हो गया, -40 ग्राम्स, राइट। इसमें जो है, वेट, मैं ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ी जगह कम पड़ रही मुझे, मैं थोड़ा दूसरी साइड करता हूँ। सबसे पहला क्या कर दिया हमने, 9 ग्राम ऑफ वाटर जो है इसमें ऐड कर दिया। एक्चुअल ओलियम जो है, हमने उस एक्चुअल ओलियम में क्या किया, हमने उस एक्चुअल ओलियम में 9 ग्राम ऑफ वाटर को ऐड किया, ठीक है। तो इफ यू हैव एडेड 9 ग्राम ऑफ वाटर इन द एक्चुअल ओलियम सोल्यूशन, सो वॉट डू वी गेट इन दिस केस, वी आर एडिंग 9 ग्राम ऑफ वाटर इन द एक्चुअल ओलियम सोल्यूशन। तो फर्स्ट 9 ग्राम ऑफ वाटर इज एडेड, राइट। तो वी हैव SO3 प्लस H2O गिव्स H2SO4, ये कितना है, ये है 80 ग्राम्स, मतलब कितना, 1 मोल। ये कितना है, ये है 9 ग्राम्स, ये है 9 ग्राम्स, मतलब कितना, हाफ मोल, और H2SO4 है नहीं, तो हाफ मोल ऑफ वाटर H2SO4 को आगे बढ़ा के लिख देता हूँ। ये क्या देगा, ये देगा H2SO4। तो यहां के हिसाब से देखा जाए हाफ मोल ऑफ वाटर क्या होगा, पूरा यूज हो जाएगा ना, -1/2 मोल, राइट। कितना बचेगा, 0 बचेगा। यहां से कितना यूज होगा, -1/2 मोल यूज होगा, कितना बचेगा, 40 ग्राम्स, मतलब कितना, हाफ मोल ऑफ क्या बचेगा, SO3 जो है वो बच जाएगा, और H2SO4 कितना आ जाएगा, H2SO4 भी आ जाएगा 1/2 मोल, मतलब कितना, 49 ग्राम्स, ठीक है, राइट। तो इसके हिसाब से अब हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन में क्या क्या है, एक्चुअल सॉल्यूशन सबसे पहले क्या था, एक्चुअल सॉल्यूशन था अपने पास 200 ग्राम ओलियम था एक्चुअल सॉल्यूशन, राइट। उस एक्चुअल सॉल्यूशन में मास ऑफ SO3 कितना था, 80 ग्राम, एंड मास ऑफ H2SO4 कितना था, 120 ग्राम। मगर अभी क्या हो गया, 80 में से 40 ग्राम ऑफ हाफ मोल ऑफ SO3 क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया ना, हाफ मोल ऑफ SO3 कन्वर्ट हो गया ना, बाय एडिंग 9 ग्राम्स ऑफ वाटर, 40 ग्राम ऑफ SO3 कन्वर्ट हो गया, तो SO3 कितना बचा, इस 200 ग्राम ऑफ वॉल्यूम में क्या कर दिया, 9 ग्राम ऑफ वाटर डाल दिया ना, तो उस वजह से क्या हुआ, 80 ग्राम में से 40 ग्राम ऑफ SO3 कन्वर्ट हो गया किसमें, H2SO4, मतलब हाफ मोल कन्वर्ट हो गया, तो SO3 कितना बचा, 40 ग्राम बचा, और हाफ मोल H2SO4 बन गया, मतलब कितना, 49 ग्राम H2SO4 बन गया, तो ये कितना हो गया अभी, 169 ग्राम, राइट। तो व्हाट इज द फाइनल कॉम्पोजिशन, फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट के आंसर में हमारे पास है अभी फाइनल कॉम्पोजिशन ए का, फर्स्ट पार्ट फाइनल कॉम्पोजिशन ए का, फर्स्ट पार्ट जो है फाइनल कॉम्पोजिशन। तो फाइनल कॉम्पोजिशन हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा विल हैव 209 ग्राम, मतलब 200 प्लस 9, दैट मीन्स 209 ग्राम ऑफ ओलियम जो था इसमें अब जो है मास ऑफ SO3 जो बचा है, विच इज मास ऑफ SO3 जो बचा है दैट इज कितना, 40 ग्राम्स, एंड मास ऑफ H2SO4 जो है दैट इज हाउ मच, दैट इज 169 ग्राम्स, दिस इज द फाइनल कॉम्पोजिशन, राइट। आई होप सो क्लियर हुआ होगा, डाउट हो तो प्लीज ग्रुप में पूछना, इस वाले क्वेश्चन में डाउट हो तो ग्रुप में पूछना, राइट। नाउ अब अगला पार्ट क्या कह रहे हैं, अगला पार्ट ये कह रहे हैं, अगला पार्ट कह रहे हैं इसमें कि कैलकुलेट द ओलियम लेबलिंग ऑफ द सोल्यूशन ऑब्टेन इन पार्ट ए। तो पार्ट ए में हमको कौन सा सोल्यूशन आया, पार्ट ए में हमको जो सोल्यूशन आया है वो क्या है, पार्ट ए में हमको ये सोल्यूशन आया, पार्ट ए में सोल्यूशन आया 209 ग्राम ऑफ ओलियम, जिसमें 40 ग्राम क्या है SO3 और 169 ग्राम क्या है H2SO4 है। तो अब हमको इसका परसेंटेज लेबलिंग निकालना है, ठीक है। सो पार्ट बी क्या कह रहा है, पार्ट बी, बी पार्ट कह रहा है
बी पार्ट कहता है, इसको थोड़ा इस तरह से लिखता हूं, पार्ट बी जो है व्हाट इज इट सेइंग, पार्ट बी कहता है कि फाइंड परसेंटेज लेबलिंग ऑफ सॉल्यूशन इन पार्ट ए। तो पार्ट ए का फाइनल सॉल्यूशन क्या आया हमारे पास, पार्ट ए का फाइनल सॉल्यूशन आया हमारे पास 209 ग्राम ऑफ वॉल्यूम ना। सो 209 ग्राम ऑफ वॉल्यूम में क्या है, 40 ग्राम है SO3 एंड 169 ग्राम क्या है, 169 ग्राम है H2SO4। तो हमको इसका क्या करना है, परसेंटेज लेबलिंग निकालना है। तो जैसा मैंने बताया कि परसेंटेज लेबलिंग हमेशा कैसे निकालते हैं, परसेंटेज लेबलिंग हमेशा निकालते हैं 100 ग्राम ऑफ वॉल्यूम के लिए, मगर अभी यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे 209 ग्राम ऑफ वॉल्यूम दिया गया। तो इस 209 ग्राम ऑफ वॉल्यूम को कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, 100 ग्राम में, राइट। सो किस तरह से निकालेंगे, 209 ग्राम ऑफ वॉल्यूम हैज कितना, 40 ग्राम ऑफ SO3, देयरफॉर व्हाट, 100 ग्राम वॉल्यूम विल हैव कितना, 40/209×100 ग्राम ऑफ SO3 विच इज इक्वल टू कितना, ए, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40/209, दिस विल कम आउट टू बी 40/209 राइट इंटू कितना, 100। सो दिस कम्स आउट टू बी, ए का वैल्यू कितना आया यहां से, ए का वैल्यू आ गया 19.138 ग्राम्स। तो हम जिस सॉल्यूशन का परसेंटेज लेबलिंग निकाल रहे हैं, हम किस सॉल्यूशन का परसेंटेज लेबलिंग निकाल रहे हैं, जो हमको ओरिजिनल 200 ग्राम वॉल्यूम दिया गया था उसमें हमने 9 ग्राम ऑफ वाटर डाल दिया पार्ट वन, राइट। तो 9 ग्राम ऑफ वाटर डाल दिया तो उसमें फाइनल कॉम्पोजिशन क्या हो गया, फाइनल कॉम्पोजिशन हो गया उसका 40 ग्राम SO3 एंड 169 ग्राम ऑफ H2SO4। अब हमको ये जो 209 ग्राम ऑफ वॉल्यूम हो गया, हमको इसका निकालना है फाइनल, इसका निकालना है हमको परसेंटेज लेवलिंग। तो इस 209 ग्राम ऑफ वॉल्यूम में 40 ग्राम ऑफ SO3 है, राइट। सो 209 ग्राम ऑफ वॉल्यूम हैज गॉट 40 ग्राम ऑफ SO3। सो 100 ग्राम ऑफ वॉल्यूम के पास कितना SO3 होगा यूनिटरी मेथड, 209 has got 40, तो 100 will have 40/209×100 ग्राम ऑफ SO3। इसको क्या माना, ए माना, तो ए का वैल्यू कितना आया, 19.138 आया, राइट। तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, परसेंटेज लेबलिंग को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो परसेंटेज लेबलिंग को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, 100 प्लस 9/40×A, राइट। कितना हो गया, 100 प्लस 9/40 × कितना, ए का वैल्यू कितना है, दिस विल बी 100 प्लस 9/40 × ए। ए का वैल्यू हमने कितना निकाला, 19.138, राइट। सो दिस विल कम आउट टू बी हाउ मच, दिस विल कम आउट टू बी, वी हैव, पहले इसको निकालते हैं, लेट अस कैलकुलेट दिस थिंग फर्स्ट, 9/40। सो दिस बिकम्स 9/40 × ए, 19.138 × 9, सो 19.138 × कितना, 9, राइट, डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 40। सो दिस कम्स आउट टू बी 4.3। सो 100 प्लस 4.3, दिस विल बिकम 104.3%। दिस बिकम्स 104.3%। दिस इज द परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम ऑब्टेन इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला वाला क्या है, पहला वाला हमारे पास आया 120 प्लस 98/2, दिस शुड नॉट बी 98/4, इट शुड बी 98/2, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर आया 104.3, इन्होंने थोड़ा सा राउंड ऑफ करके लिखा है, 104.5 लिखा है, बट एक्चुअली इट शुड बी कितना, 104.3%, राइट। सो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑब्टेन, ओलियम लेबलिंग ऑफ द सोल्यूशन ऑप्टेन इन पार्ट ए। सो पार्ट ए ये हो गया हमारा, ठीक है। नाउ उसके बाद आई होप आगे के जो दो पार्ट है, दीज टू पार्ट आर योर होमवर्क, इन दो पार्ट को अपने आप से करोगे, राइट। नहीं आएगा तो मेरे से ग्रुप में पूछो, मैं इसका रिटर्न सोल्यूशन बना के ग्रुप पे पोस्ट करता हूं। तो ये दो पार्ट क्या है तुम्हारा,
ये दो पार्ट्स भी क्या है तुम्हारे होमवर्क है, ठीक है। राइट, तो विद दिस कंसिडरेशन टर्म्स तो मैंने सब पढ़ा दिया, अभी बचा क्या है, डिस्कशन बचा है एसिड एंड बेस के क्वेश्चंस का। राइट, सो एसिड एंड बेस के क्वेश्चंस को मैंने ऑलरेडी काम दे रखा है, यू पीपल मस्ट हैव सॉल्वड इट। एंड नेक्स्ट टॉपिक में डेफिनेटली आई विल बी स्टार्टिंग विद द वेपर प्रेशर, दैट इज लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस, एंड विल बी मूविंग ऑन टू राउल्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ। उसका डिस्कशन जो है आई विल आस्क इन द ग्रुप, डाउट्स बताओगे, जो भी डाउट्स होगा मैं रिटन सॉल्यूशन बना के ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू।